आपको जामनगर के 78 विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया है, आप पार्टी का लेवल पे पहुंची है, किस प्रकार से आपका स्वागत हुआ, किस प्रकार से आप ये इलेक्शन लड़े? जी बहुत ही आज खुशी का अवसर है, मेरे साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का आज चुनाव हुआ है उम्मीदवार के तौर पे, तो उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक शुभकामना उनको दे रही हूँ। साथ ही साथ मैं केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, साथ ब साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, सीआर पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा दिखा के जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। किस प्रकार से लोगों के बीच जाएगी, कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? डेफिनेटली विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का अहम मुद्दा रहा है। आगे चल के सिटी में मुझे जो टिकट मिला है उसके में बेहतर से ज्यादा बेहतर हम क्या कर सकते हैं, विकास को और आगे कैसे बढ़ाते हैं, वही एक मुद्दा है, वो बहुत ही आवश्यक है। रविंद्र जाडेजा प्रचार में होंगे साथ में? जी डेफिनेटली, इनडायरेक्ट तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के अभी से ही मेंबर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली विल बी देयर। स्टार प्रचारक के रूप में दिखेंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके ओके।